साथियों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से। साथियों, जैसा कि आपके पास लोडा कमेटी का सेबी की तरफ से जो मैसेज आया है उसमें उन्होंने 5000 की तक की जो पेमेंट है उसमें जो कमी है उनके बारे में उन्होंने बताया है कि वो जो साथी रह गए हैं, जो कस्टमर रह गए हैं, वो उसको दुरुस्त कर सकते हैं, वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। और वो 5000 तक का जो पेमेंट है उसके लिए उन्होंने डेट 31 जुलाई 2020 दी है, मतलब 6 महीने इन्होंने और निकाल दिए उसी चक्कर में। और जो साथी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करवा चुके हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। तो ये सेबी लगातार पूरे देश में पूरे निवेशकों को, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। और सेबी और लोडा कमेटी मिलके कोई काम नहीं कर रही। और लगातार ये 2 फरवरी 2016 के बाद इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी आज तक सेल की है इसका डाटा इन्होंने कभी नहीं डाला। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोडा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि 5,15,00,000 लोगों का डाटा, जो कस्टमर है उनका डाटा और उनकी अमाउंट भी बताई है, तो उनका पैसा कितना। इसका मतलब ये है कि लोडा कमेटी और सेबी के पास आपकी पेमेंट का पूरा डाटा, और उसके बाद भी वो आप लोगों को गुमराह कर। चाहिए तो ये था कि जो उसका पोर्टल है वो अपने पोर्टल के ऊपर 5,15,00,000 लोगों का पूरा डाटा अपलोड करती और आप लोगों से वो मांगती सिर्फ आपके बैंक की कॉपी, आपके आधार कार्ड की कॉपी, ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए थे, या पैन कार्ड की कॉपी। पैन कार्ड भी वो चाहिए था जिनकी 50,000 से ऊपर पेमेंट है, नीचे वालों को तो पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। तो ये सेबी लगातार पूरे देश के लोगों को गुमराह कर। और साथियों, गोल्डन फॉरेस्ट की तरह ये पैसा हमें 20 साल तक देने वाली नहीं है। अभी 6 महीने तक इन्होंने डाटा मांगा है 5000 वालों को, और 6 महीने के बाद फिर अगले 6 महीने 1 साल के लिए मांगेंगे डाटा 7,500 तक का, 5001 से लेकर 7,500 तक का। तो आपका नंबर कभी आएगा ही नहीं इस तरीके से जैसे ये काम कर रही है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा समाधान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट में हमें एक जन पटिशन लगानी पड़ेगी उन सभी निवेशकों की तरफ से जिन्होंने अपना डाटा सेबी की साइट पर अपलोड करवा दिया। तो मेरी स्टेट वाइज उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो साथी व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इनिशिएट लें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी अपनी स्टेट से ज्यादा ये डाटा कलेक्ट करें। उसमें आपको एक पैन कार्ड की जरूरत है कॉपी की, एक आपको आधार कार्ड की जरूरत है, और एक आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो सेबी की साइट पर आप लोगों ने अपलोड करवा दिया है, और उसकी सक्सेसफुल की जो स्टेटमेंट उसमें आई हुई है उसकी एक कॉपी साथ में चाहिए। तो ये आपके पास एक ऑथेंटिक प्रूफ है जो आपका डाटा सेबी की साइट पर अपलोड हो चुका है। तो हमें सबसे पहले उन साथियों की एक लिस्ट चाहिए। तो मैं स्टेट वाइज सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये डाटा आप कलेक्ट करें, ताकि ज्यादा तादाद में हम सुप्रीम कोर्ट में ये एक जन पटिशन जो है निवेशकों की तरफ से वो डाली जाए, और वहां पे सेबी से ये सवाल भी किया जाए कि 2 फरवरी 2016 के बाद आप लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी सेल की अभी तक, उसका डाटा हमें बताया जाए, और आप लोगों ने 2 फरवरी 2016 से लेके आज तक कितनी सैलरी इन मेंबर्स ने ली है और कितना पैसा इन लोगों ने अपने ऊपर खर्च किया अभी तक, उसकी भी डिटेल हम वहां से लेंगे। तो साथियों, ये सारा काम हमारा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा आप साथी जितने भी हमारे हैं वो स्टेट वाइज अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और ये डाटा ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करें। उसके बाद हम दिल्ली में आप सभी को बुलाएंगे, और दिल्ली बुलाकर उसी डाटे के साथ हम वो जन पटिशन
सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, जिसमें ये सारा समाधान हम निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि ये 5 करोड़ 15 लाख का जितना भी डाटा है ये सुप्रीम कोर्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सेबी को बोले कि वो अपने पोर्टल पे ये सारे का सारा डाटा अपलोड करें, और उसके बाद ही साथियों ये हमारा समाधान जल्दी होने वाला है। वरना सेबी जिस ढंग से, लोडा कमेटी जिस तरीके से ये काम कर रही है, ये हमारा पैसा हमें 20 साल तक भी नहीं दे सकते। इसलिए हमें, हमारे पास अब एक ही विकल्प है कि हम अपनी जनशक्ति के साथ, अपने उन सभी निवेशकों के साथ जिनका डाटा अपलोड हो चुका है, उनकी तरफ से ज्यादा तादाद उनकी लेके हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक जन पटिशन फाइल करें। तो ये काम आप जितनी जल्दी साथियों करेंगे, उतनी जल्दी हम आपको दिल्ली में बुलाकर और ये जन पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। तो मेरी सारे पूरे भारत के जितने भी हमारे जो साथी फाइट कर रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टेट वाइज अपनी अपनी स्टेट से वो डाटा आप कलेक्ट करें और जल्दी उसके बाद आपको दिल्ली मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, और उसी मीटिंग के बाद हम वो जन पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।